लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में। मैं अर्चना द्विवेदी आपके साथ। आइए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों के साथ। बिरसिंहपुर पाली में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 150 कावड़ियों का जत्था हुआ बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना। 18 वर्ष पूर्व शुरू की गई थी यात्रा। सागर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। मानदेय की कटौती करने और नियमितीकरण की मांग की। रुदौली में युवक ने शादी का झांसा देकर किया महिला के साथ दुष्कर्म। महिला ने उच्चाधिकारी को शिकायती पत्र देकर की कार्रवाई की मांग। बिरसिंहपुर पाली में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 150 कावड़ियों का जत्था बाबा बैजनाथ धाम के लिए रवाना हुआ। कावड़ियों का जत्था साईं दरबार से ढोल नगाड़ों के साथ भगवान भोलेनाथ की मनमोहक झांकी व भूतों की टोली के साथ नगर भ्रमण करते हुए माँ बिरासिनी के मंदिर पहुँचा। यहाँ दर्शन करने के बाद स्टेशन से कावड़िया बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुए। श्रद्धालुओं ने बताया कि यह यात्रा 18 वर्ष पूर्व शुरू की गई थी। उस वक्त मात्र 5-10 लोग ही यात्रा पर जाते थे, लेकिन आने वाले हर सालों में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। इस साल 150 लोग इस यात्री में पाली नगर से बैजनाथ धाम को रवाना हुए। उमरिया पाली से राजकुमार गौतम की रिपोर्ट। असल में क्या रहे, साईं कावड़िया संघ की तरफ से हम लोगों का पूरा बिरसिंहपुर पाली नगर से जत्था हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जा रहा है। लगभग इस बार कांवड़ियों की संख्या, बम की संख्या 150 के लमसम है और हर वर्ष हम लोग यहाँ से बड़ी श्रद्धा पूर्वक के साथ में बैद्यनाथ धाम के लिए, कांवड़ यात्रा के लिए, यहाँ से भोलेनाथ जी को जल चढ़ाने के लिए, पद यात्रा के लिए जाते हैं। और यहाँ पे माना गया है कि बैद्यनाथ धाम में जो भी पद यात्रा करके जल अर्पित करने जाता है उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। और देखा गया है कि पाली नगर से हमारे बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में सभी का सहयोग रहता है, सभी व्यापारियों का, सभी गणमान्य नागरिकों का सहयोग रहता है। सभी अपना आशीर्वाद दे के हम सभी कांवरिया संघ के लोगों को यहाँ से रवाना करते हैं। मानदेय की कटौती करने एवं नियमितीकरण की मांग को लेकर सागर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संगठन ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पिछले साल अप्रैल 2016 में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी की गई थी। कमलनाथ सरकार द्वारा चुनाव से पूर्व जारी घोषणा पत्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित करने की कही थी, लेकिन 26 जून 2019 को संचालनालय महिला एवं बाल विकास भोपाल द्वारा जारी आदेश के अनुसार सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के विपरीत कदम उठाती नजर आ रही है। सागर से सुधीर द्विवेदी की रिपोर्ट। हम जयश नगर ब्लॉक की मसूरहाई आंगनबाड़ी मसूरहाई परिक्षेत्र से आए। किस प्रकार का ज्ञापन देने आए हैं, क्या समस्या है? हम लोगों ने समस्या दी है कि हमने 25 दिन हड़ताल की थी, तब शिवराज सरकार ने हम लोगों के साथ राज्य सरकार से 7,000 रुपया और 3,000 रुपया केंद्र सरकार से मिलते थे। अभी मोदी जी ने हम लोगों की 1500 बनाए थे तो लोगों को 11,500 रुपया मिलना थे, तो वो 11,500 की बजाय 7,000 राज्य से मिलते थे। मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी ने उसमें से 1,500 रुपये काट के 5,500 कर दिए और 4,500 केंद्र सरकार की, मतलब 10 ही देंगे 11,500। मांगे तो 10-15 हैं, मेन मांग ये है। आप लोग भी पत्रकार बंधु हैं, आप सबके सहयोग से हम लोग 10,000 पर पहुँचे थे 5 की जगह। इतिहास में कभी सुना है कि राशि बढ़ा के घटी है? हम लोगों के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1,500 रुपये कम कर दिए। क्या गलती थी, क्या कसूर था? हम लोग जन्म से लेकर मृत्यु तक का काम करते हैं, सर्वे कराते हैं, चुनाव करवाते हैं, पोषण आहार बांटते हैं, टीकाकरण करवाते हैं और हम लोगों के 1,500 रुपये की कटौती करते हैं। अगर आपकी मांग इसके बाद भी नहीं मानी जाती है तो क्या करेंगे? तो पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ उग्र आंदोलन होगा और पिछली बार जैसा हुआ था इसकी संपूर्ण जवाबदारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की होगी। रुदौली की एक दलित महिला ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए जाने का आरोप लगाते हुए उच्चाधिकारियों को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। प्रार्थनी ने पुलिस उप महानिरीक्षक अयोध्या मंडल को शिकायती पत्र देकर मवई थाना क्षेत्र के उसराहा मजरे
तेर गांव निवासी राम धीरज यादव पुत्र राम सुमेर पर आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि राम धीरज की पत्नी की मृत्यु हो गई थी, इसी दौरान राम धीरज ने प्रतीक से शादी करने का प्रस्ताव रखा। इसी बात पर आरोपी उसे बहला फुसलाकर शादी की बात कर प्राथमिक के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा और जब उससे शादी की बात करती तो टालमटोल करता रहा। धीरे धीरे इस बात को 10-12 साल बीत गए। इसी दौरान महिला बीमार हुई तो राम धीरज ने इलाज कराने से साफ इनकार कर दिया और शादी का भी मना कर दिया। अब महिला ने आरोपी राम धीरज यादव पर कार्यवाही की मांग की है। रुदौली से शिव शंकर वर्मा की रिपोर्ट। कौन समस्या लेकर यहाँ तहसील में आए थे आप? साहब मेरा धीरज हमारे साथ 12 साल राखिन, 12 साल के बाद हमको धोखा दे दी। धीरज कौन है? धीरज उसराहा के है। अच्छा, तो क्या हुआ उसके बाद? साहब किस बात, दूसरी साधना बना औरत ले आए। इससे पहले शिकायत किए थे आप किसी से? हाँ, मवाई थाने में हमारे साहब सुनवाई नहीं हो रही, बहुत बार गए, हमारा मुकदमा नहीं लिख रहे साहब। क्या बोलते हैं वहाँ पे? वहाँ कहते कि कल आयो, परसों आयो, नरसों आयो, कल सुबह आयो, 8 बजे आयो। कितने दिन से थाने के चक्कर लगा रही हैं? अब हो गई 15-15 दिन थाने को चक्कर लगा रही हैं। सागर की महिला स्व सहायता समूहों ने पहले मध्याह्न भोजन का काम दिल्ली के एक एनजीओ को देने के खिलाफ पिछले एक माह से आंदोलन किया जा रहा था। इनके आंदोलन से जिले के नगरीय निकायों के विद्यालयों में निजी कंपनी का भोजन बनाना बंद भी हो गया था, लेकिन अब इन समूहों के सामने एक नया संकट आ गया है। महिलाएं जिस विद्यालय में खाना बनाती हैं, उसका पैसा स्कूल के प्राचार्य के खाते में जाएगा। महिलाओं का आंदोलन इस बात को लेकर था कि राशि सीधे उनके खाते में भेजी जाए और जिले भर में जहां भी निजी कंपनी भोजन वितरण करवा रही है उसे रोका जाए। अपने इन्हीं मांगों को लेकर गुरुवार को महिलाएं जिला पंचायत सीईओ को ज्ञापन देने पहुंची, लेकिन जब जिला पंचायत सीईओ 2 घंटे तक बाहर नहीं आए तो एक महिला ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालने का प्रयास किया जिसे पुलिस ने रोक लिया। महिलाएं जिला सीईओ के आश्वासन से संतुष्ट नहीं है, वो लिखित में आदेश चाहती है और अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। सागर से सुधीर द्विवेदी की रिपोर्ट। मेरा नाम रजनी गुप्ता है। हम सभी ये समूह की महिलाएं हैं जो स्कूल में मध्याह्न भोजन चलाकर और बच्चों को भोजन वितरण करती हैं। तो हम सभी महिलाएं आज जिला पंचायत सीईओ सर से मिलने आए थे क्योंकि हम लोग जो खाना बना रहे हैं 24 तारीख से उसकी राशि भी नहीं आई है और ना ही हम लोग को खाद्यान्न मिला है और ना ही हम लोग को ऐसा कोई आदेश मिला है। अब सर लोगों का कहना है कि साला एसएमसी के खाते में पैसे जाएगा, तो एसएमसी वाले ये कहते हैं कि आप लोग के पास लिखित कहाँ है जो आप लोग खाना बना रही, तो हम लोग आप लोग को पैसे देंगे। आज क्या हुआ, आज आप लोगों ने? आज हम लोगों ने सीईओ सर से मिलने आए थे तो 3 घंटे की मशक्क़त के बाद सीईओ साहब बाहर आए और पुलिस बल अपने साथ लेकर आए और हम महिलाओं पर दबाव बनाया गया कि आप लोग यहाँ से भाग जाइए, लेकिन हम लोग ने बोला कि सर जब तक हम लोग को आदेश नहीं मिलेगा हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। तो सर कह रहे हैं कि आप लोग को पैसे से मतलब है, आप लोग को आदेश से क्या मतलब है, साला एसएमसी के खाते में पैसे आ जाएंगे आपको मिल जाएगा। आगे क्या प्लानिंग है, फिर क्या विचार है? तो हम लोग यहीं पे बैठ रहे हैं, हम लोग तो यहीं बैठेंगे जब तक हम लोग को आदेश नहीं मिलेगा, और यदि आदेश नहीं मिलेगा हम लोग को तो हम लोग कल भोपाल जाएंगे और मुख्यमंत्री सीएम कमलनाथ जी के बंगले के सामने हम लोग अनशन पर बैठेंगी सभी समूह की महिलाएं, और यदि वहां भी हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो हम लोग विधानसभा में जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। केंद्रीकृत व्यवस्था लागू की गई है, इस व्यवस्था के संदर्भ में उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि उनको पूर्वक जो व्यवस्था थी उसको लागू किया जाए। उनकी जो मांग है वो हम शासन स्तर पर भेजेंगे, उसमें नियम अनुसार कार्रवाई करेंगे। आज इतनी उग्र क्यों हो गई सर? पहले भी उन लोगों ने ज्ञापन दिए हैं और तहसील लेवल पर उन्होंने प्रदर्शन भी किए हैं, उनका काम जो कि छूट गया था, तो आज ऐसी क्या नौबत आ गई कि वो यहाँ पे जिला मुख्यालय पे भी आ गए? अब वो उनका मैटर है, वो बता सकते हैं। इटावा जनपद में डीके इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को हाई टेंशन बिजली लाइन के नीचे बच्चों को दी जा रही है शिक्षा। बच्चे हमेशा डर के साए में स्कूल में आकर शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि डीके इंटरनेशनल स्कूल के ऊपर से 11,000 और 33,000 केवी की हाई टेंशन बिजली की लाइन निकली हुई है। उसी लाइन के नीचे बने कमरे में बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। यहाँ डर के साए में पढ़ रहे बच्चों को हमेशा डर लगा रहता है कि बिजली का तार टूटकर विद्यालय परिसर में न गिर जाए, जिससे कोई बड़ी घटना नहीं घट जाए।
लेकिन स्कूल प्रशासन द्वारा बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। स्कूल प्रशासन द्वारा बच्चों को ऐसी जगह पर बिठाया जाता है जहां हाई टेंशन बिजली के तार निकले होते हैं। वहीं स्कूल प्रशासन द्वारा बच्चों को दूसरी कक्षा में शिक्षा प्रदान नहीं की जा रही है। अगर बच्चों को हाई टेंशन लाइन के नीचे ही पढ़ाया जा रहा है तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। 11,000 की लाइनें हैं और जो विद्युत विभाग की 33 केवी की लाइनें हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होती हैं, इनसे काफ़ी खतरा रहता है। लेकिन उनकी नीचे जो अवैध रूप से निर्माण करा लिए जाते हैं वो गलत है, उसमें विद्युत विभाग का कोई भी परमिशन नहीं लिया जाता है। लेकिन जहाँ तक कि बच्चों का मामला है तो इसमें स्कूल प्रशासन को इसमें काम करना चाहिए। अगर उन्हें अपनी बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विद्युत विभाग में एस्टीमेट जमा करा दें तो उस लाइन का जो है उसको हटाया जा सकता है, शिफ्ट कराया जा सकता है। और जो लोग बिना किसी परमिशन के बिजली की लाइन के नीचे निर्माण करा ले रहे हैं वो गलत है, अवैध है, इस तरीके से उसमें नहीं होना चाहिए। जहाँ पर भी इस तरह के एनक्रोचमेंट हैं उनको नोटिस दी जाएगी और ये उन्हें मतलब संदेश भी दिया जाएगा प्रशासन के माध्यम से और न्यूज़ के माध्यम से कि वो लोग बड़ी और सेंसिटिव लाइनें जो है 33 KV लाइनें हैं और 11 KV लाइनें हैं, 132 KV लाइनें हैं, उनके नीचे किसी भी तरह का निर्माण कार्य ना करें, क्योंकि उससे स्वयं को और फैमिली को सभी को खतरा हो सकता है किसी भी टाइम कोई भी, क्योंकि बड़े वोल्टेज की लाइनें कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो उससे जो है बिना परमिशन के कोई भी निर्माण कार्य नए या पुराने जो हो चुके हैं उसमें अपना एस्टीमेट जमा करा के लाइनों को हटवा सकते हैं। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।